प्रसाद यादव को जमानत मिल गई है और बताया जा रहा है कि वो 30 अप्रैल तक पटना आ सकते हैं। और लालू प्रसाद यादव के परिवार में जो कंट्रोवर्सी चल रही है, जो तेज प्रताप यादव के ऊपर गंभीर आरोप लगे, जिसमें उन्हें उनके भी पार्टी के नेता ने उन पर ये आरोप लगाया कि जिस तरीके से इफ्तार पार्टी के दौरान रामराज यादव को उन्होंने बंद कमरे में पीटा और उसका वीडियो बनाया, इसके बाद रामराज यादव ने इस्तीफे की बात की और तेजस्वी से इंसाफ की गुहार की। लेकिन अभी तक इस मामले में कोई पुष्टि नहीं हुई है। तेज प्रताप यादव का कहना है कि रामराज यादव उनके भाई जैसे हैं और उन्होंने ट्विटर पे एक फोटो और एक मैसेज शेयर किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो अपने पिता यानी लालू प्रसाद यादव से मिलकर इस्तीफा दे देंगे। आप पहले उस ट्विटर के पोस्ट पे एक नजर डालिए। तो लालू प्रसाद यादव पटना आने वाले हैं, उसके बाद तेज प्रताप की इस कंट्रोवर्सी पे वो क्या एक्शन लेते हैं ये देखना लाजमी होगा। बीते दिनों जिस तरीके से तेज प्रताप यादव पे गंभीर आरोप लगे थे अपने ही पार्टी के नेता को पीटने का और वीडियो बनाने का, उसके बाद से लगातार सियासत तेज हो गई है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, चर्चाएं हो रही है, लेकिन इन चर्चाओं पे विराम लालू प्रसाद यादव के आने की बारी होगा। अब ये देखना लाजमी होगा किस तरीके से लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेज प्रताप यादव को इस पूरे मामले से बचाते हैं या फिर रामराज यादव की बातें सुन के रामराज यादव को इंसाफ दिलाते हैं। साथ ही हमारे संवाददाता के झा ने एक रिपोर्ट भेजी है दिल्ली से, जहां पे मिश्रा भारती की आवाज का है। आप ये रिपोर्ट एक बार। मंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव डोरंडा कोषागार मामले से बेल मिलने के बाद इस वक्त दिल्ली एम्स में इलाजरत हैं, लेकिन इस वक्त में ये दिल्ली स्थित जो लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी है मीसा भारती, उनका सरकारी आवास है, जो राज्यसभा सांसद हैं, यहीं पर वो जो एम्स से पिछली बार इलाजरत होने के बाद डिस्चार्ज हुए थे, उसके बाद वो यहीं पे स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे। लंबे समय तक वो इसी आवास पे, जो मीसा भारती का सरकारी आवास है, यहीं पे रह रहे थे। लेकिन आज जिस तरह से खबरें आ रही है कि लालू प्रसाद यादव डोरंडा कोषागार मामले में बेल मिलने के बाद आज एम्स से डिस्चार्ज हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे सूत्र हैं, जो डॉक्टर के सूत्र बता रहे हैं कि फिलहाल लालू प्रसाद यादव की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो एम्स में ही इलाजरत रहेंगे, वहीं पर वो अपने स्वास्थ्य लाभ लेते रहेंगे। फिलहाल जो डोरंडा कोषागार मामले में बेल मिला है लालू प्रसाद यादव को, उसके बाद जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन का जो काम है वो फिलहाल चल रही है और बहुत जल्द 1 से 2 दिन में लीगल डॉक्यूमेंटेशन का जो काम है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद लालू प्रसाद यादव दिल्ली एम्स से एक तरह से कह सकते हैं वो निकल भी सकते हैं, और अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं रही तो वो फिलहाल दिल्ली एम्स में ही इलाजरत रहेंगे। लेकिन फिलहाल ये दिल्ली स्थित जो मीसा भारती का सरकारी आवास है, यहाँ पे इस तरह के कोई हलचले नहीं है जिससे आप कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव एम्स से डिस्चार्ज हो रहे हैं, क्योंकि अगर वो डिस्चार्ज होते तो यहाँ पर जो लालू प्रसाद यादव की सिक्योरिटी होती है वो पहुंच जाती है, उसके बाद जो उनके पर्सनल स्टाफ होते हैं वो पहुंच जाते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर पूरी तरह से शांति छाई हुई है, ना तो लालू प्रसाद यादव को कोई सिक्योरिटी पहुंचा हुआ है, ना ही कोई उनके पर्सनल जो केयर टेकर कर्मचारी होते हैं वो पहुंचा हुआ। तो फिलहाल आप कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव फिलहाल दिल्ली एम्स में ही इलाजरत रहेंगे। जिस तरह से कयास लगाए जा रही है कि लालू प्रसाद यादव एम्स से डिस्चार्ज होने वाले हैं, तो वो फिलहाल नहीं डिस्चार्ज होने वाले हैं, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और दिल्ली एम्स में ही वो भर्ती रहेंगे। तो देखा आपने, ऐसा बताया जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव जब एम्स से निकलेंगे तो अपनी बेटी के आवास पे जाएंगे, लेकिन ये देख के लगता है कि लालू प्रसाद यादव नहीं जाएंगे क्योंकि इतनी तैयारियां नहीं हुई है और बताया जा रहा है कि 30 अप्रैल तक वो पटना आ सकते हैं और अपने बेटी की जो और परिवार में आरजेडी में जितनी कंट्रोवर्सी चल रही है उस पर पूर्ण विराम लगा सकते हैं। ये देखना लाजमी होगा किस तरीके से लालू प्रसाद यादव के आने से इस पूरे मामले में क्या मोड़ आता है और क्या इंसाफ होता है। तो ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप कशिश न्यूज देखते रहिए। मैं स्नेहा गुप्ता आपसे आ लेती हूँ। धन्यवाद।